डियर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन फॉर द सस्टेनेबल डिवेलमेंट इन यूके एंड कीनिया हम गुफ्तगु कर रहे हैं ब्रिटिश काउंसिल के रोल को हम गुफ्तु कर रहे हैं यूके के रोल को केनिया में इसी के डिवेलमेंटल प्रोसेस के अंदर किस तरह यू कैन ने एक रोल प्ले किया हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जिसके अंदर हमने देखा कि डॉक्यूमेंट के हवाले से पॉलिसी के हवाले से एक हमें बहुत अच्छा रोल नज़र आता उसके बाद फंड्स एलोकेशन के हवाले से भी हमें उसका रोल नज़र आता है और किस तरीके से मिनिस्टर को जो है उन्होंने कम्युनिकेट किया और इसके ऊपर उन्होंने उसको बावर करवाया कि इसका क्या रोल है और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उसको अलाइन भी किया ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की पैटोकोजिस्ट की भी बात की अब उसके आने से पहले ई से पहले जो इश्यूज हैं उनके ऊपर गुफ्तु हो रही है उसके अंदर जो पहली गुफ्तु की हमने वो हमने की पॉवर्टी के ऊपर फिर हमने गुफ्तगु की हेल्थ इश्यूज के ऊपर इसी से रिलेटेड जो गुफ्तगु है वो हमारे पास है वो है इनजस्टिस और इनइलिटीज देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि जी एजुकेशन हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक हाँ है गवर्नमेंट लेवल पर स्टेट लेवल पर आपने उसको वो तमाम अपॉर्चुनिटीज देनी है अब उन अपॉर्चुनिटीज का लिंक है तो बहुत सी चीज़ों के साथ हमने एक लिंक तो बनाया पावर्टी के साथ एक लिंक बनाया हेल्थ के साथ अब हम पावर्टी का लिंक जब डेवलप करते हैं तो पावर्टी का लिंक बनता है इनजस्टिस और इनक्वलिटीज के साथ कि किसी भी मुशरे के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो एलोकेशन है उसके अंदर इनक्वलिटी और इनजस्टिस है तो वो बुनियादी तौर काज बन रही है पावर्टी की जो बुनियादी काज है वो क्या है इन जस्टिस एंड इन इक्वलिटी इन रिसोर्सेस भाई कुछ लोग तो वो हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं उसमें रिसोर्सेज में स्टेट का भी रोल है उनका अपना भी रोल है और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ तक कि उनकी बेसिक नीड्स जो कि स्टेट की जिम्मेदारी है उन तक उनके सेस नहीं हो रही तो इसके ऊपर बहुत से राइटर्स ने आर्गू भी दिया उसके ऊपर बहुत सारे चीज़ें भी लिखीं और कुछ कल्चरल पैराडाइम पैरामीटर्स भी लेके आए यानी एक तो हमारे पास पैरामीटर है कि जो उनकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनकोलिटी है फंड्स के लिहाज से रिसोर्स के लिहाज से फंड्स का लफ्ज़ भी इतना बेहतर नहीं बनता जितना रिसोर्स का लफ्ज बनता है रिसोर्स के हवाले से दूसरी तरफ जहाँ पे इस इनक्वलिटी का ताल्लुक है वो काज बन रही है पावर्टी अब उस पावर्टी की जो काज बन रही है उस पावर्टी की वजह से जो उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस है कोगनेटिव डेवलपमेंटल प्रोसेस है और जो हेल्थ का प्रोसेस है वो असरअंदाज हो रहा है वो लिंक हो रहा है जाके क्वालिटी एजुकेशन के साथ देखें जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें एक हेल्दी बच्चा चाहिए और जब हम हेल्दी बच्चे की बात करते हैं तो उसे फ्री ऑफ डिज़ीज़ होना चाहिए और उसका कॉगनेटिव डिवेलमेंट प्रोसेस जो है वो बहुत ऐसन तरीके से होना चाहिए आप देखें अगर हमारे पास डिजीज़ इन्फेक्शन डिजीज़ फ्री बच्चा अवेलेबल नहीं है तो उसको भी हम क्वालिटी एजुकेशन के पैराडाइम में नहीं ला सकते और एक बच्चा जिसको प्रॉपर फ़ूड नहीं मिला प्रॉपर न्यूट्रिशन की गाइडलाइन के मुताबिक बैलेंस डाइट उसको नहीं मिली उसके लिए भी हमारा इशू है कि हम जब क्वालिटी एजुकेशन का क्लेम करेंगे और हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर जो है ना क्वालिटी का क्लेम करेंगे तो इन दोनों सूरतों में वो मीनिंगलेस हो जाएगा तो उसकी बात ही नहीं होगी कि आप वहाँ पे पॉलिसी बना दें वहाँ पे लेजिसी कर दें आप कह दें कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं अब जो कल्चर्स ऑफ द पावर्टी है इसको अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे इसको मिनिमाइज नहीं करेंगे तो आपका जो सारा प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर जिस किस्म के गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं वो गोल आप अचीव नहीं कर सकें